लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऑटो रिक्शा में सफर किया है? अगर आपको जवाब हाँ में है तो हम एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको किसी ऑटो में पढ़ने को अखबार और पीने को चाय मिलती है और साथ में फ्री इंटरनेट? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, भला ऐसा भी कहीं मिलता है क्या? लेकिन ये सुलहने सच बात है। दरअसल एक ऑटो ऐसा है जिसमें अनेक सुविधा जैसे अखबार, वाईफाई, चाय कॉफी, पानी की बोतल व फर्स्ट एड सभी कुछ है, और ये सारी सुविधाएं मुफ्त में। मुंबई के ठाणे की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनामिका भलेराव के पास खुद का ऑटो रिक्शा है जिसमें सफर करने वाले यात्रियों को तमाम सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती है। अनामिका ने यह ऑटो रिक्शा हाल ही में खरीदा है। यह साधारण सा दिखने वाला ऑटो रिक्शा सफर को आरामदायक बनाने का काम करता है। अनामिका कहती हैं कि यह उनका सपना पूरा होने जैसा है। अनामिका बताती हैं कि उनके रिश्तेदार यह कहकर उनका मनोबल बढ़ाते थे कि लड़कियां आज प्लेन तक उड़ा रही हैं तो ऑटो चलाने में क्या दिक्कत है। अनामिका को गर्व महसूस होता है कि आज वह अपने खुद के पैरों पर खड़ी हैं। यही नहीं, ऑटो चलाकर उससे प्राप्त आमदनी से घर के खर्चे निकालने में भी मदद हुई है। आपको बता दें कि पहले यह नियम था कि ऑटो परमिट के लिए 10वीं पास होना जरूरी था, लेकिन बाद में इस नियम में बदलाव करके 8वीं पास कर दिया गया है। अनामिका 10वीं फेल है, लेकिन नए नियम के कारण वह इस कार्य के लिए योग्य थी। उन्हें हाल ही में ऑटो परमिट मिला है जो उनके सपने पूरे होने जैसा है। अनामिका कहती है कि यह फैसला उनके जैसी कई महिलाओं का भविष्य बना सकता है।